हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने राउंड टू के लिए वैकेंट सीट्स को अनाउंस कर दिया है और आज ये शाम 5 बजे आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, जिसमें हर एक कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है ये सब कुछ मेंशन है। और देखा जाए तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सबकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। जैसे कि मैं बोलूँ ARSD कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BA प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनी अदर डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर सब में 00 लिखा आ रहा है। तो आप लोगों को अगर नेक्स्ट राउंड में कोई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उन कॉलेजेस को रीऑर्डर करके ऊपर डालना पड़ेगा, तभी आप लोगों को नेक्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो सकता है। और यही एक तरीका है जिससे आपको एक मिनिमम एक सीट अलॉट हो जाए और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के अंदर अपग्रेडेशन के लिए जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे भास्कराचार्य कॉलेज है, 17 सीट्स अवेलेबल है। बट ये जो मैंने पहले बोला था, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कट ऑफ्स है वो पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स पे डेफिनेटली मैटर करती है और शिफ्ट पे भी मैटर करती है। तो किसी भी पॉपुलर कोर्स के अंदर आपको सीट्स वैकेंट देखने को नहीं मिलेगी। इवन मैं बात करूँ दौलत राम कॉलेज, आपको पता है भाई कितना फेमस कॉलेज है, पॉपुलरिटी ऑफ कॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो BSc कंप्यूटर साइंस 0 सीट्स अवेलेबल है। लेकिन हाँ, कैटेगरी सीट्स के अंदर सीट्स जो है आप लोगों को मिल रही है। फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरीज यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, BSc कंप्यूटर साइंस में 11 सीट्स हैं। अगर आप BSc के लिए अप्लाई करें तो इस कॉलेज को सबसे ऊपर रखिए, है ना। जिस कॉलेज के अंदर आपको लग रहा है कि भाई सीट सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उसको आप ऊपर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप देशबंधु कॉलेज है, 12 सीट्स अवेलेबल है, फाइन। तो इस तरीके से आप लोगों को निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। ऑफ कोर्स आप लोगों को नेक्स्ट जो सेकंड राउंड हो रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को जो टॉप कॉलेजेस है उनका सपना थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा अगर आपका अच्छा रैंक नहीं है। ये ही एक सही समय है जब आप अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर आप आज की डेट में भी जो प्रेफरेंस शीट्स आप लोगों को मिली हुई है, फेक प्रेफरेंस शीट्स आप लोगों को मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम कॉलेजेस अरेंज करके बैठे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को भी यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। जस्ट डाउनलोड दिस PDF और उसके बाद अच्छे से घर पे बैठ के अपने कॉलेजेस के अंदर देखो भाई किस में ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, उस कोर्स को ऊपर डाल दो, उस कॉलेज को ऊपर डाल दो, देर इज़ नो हार्म। अगर आपके पास कॉलेज ही नहीं रहेगा तो अपग्रेडेशन किस में करवाओगे। मेक योर प्रेफरेंसेज वाइजली वाइल रीऑर्डरिंग द कॉलेज इन सेकेंड राउंड, नहीं तो आपको थर्ड राउंड में भी जाने को नहीं मिलेगा। ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग बने रहिए अपडेट्स के लिए और अपकमिंग जो आप लोगों का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए आप लोगों को अब जो वैकेंट सीट है वो डिक्लेयर हो चुका है, फाइन। 7 अगस्त है आज, तो आप लोगों का ऑन टाइम प्रोसेस चल रहा है सारा का सारा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत भी डिले आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम आपको एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि एट एनी कॉस्ट 16 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस करनी ही करनी है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट राउंड में बहुत ही सिलेक्टिव और अच्छे से हाई प्रोबेबिलिटी वाले कॉलेजेस को ऊपर करना है आपको। आज से ही आप लोगों का शाम 5 से ही रीऑर्डरिंग चालू हो चुका है, 8 तारीख तक ये चलने वाला है, 10 तारीख को आप लोगों का जो है अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। वाइस वर्सा वही फर्स्ट राउंड वाला सिस्टम है सारा का सारा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 15 अगस्त को है, 16 से आप लोगों की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। तो रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों का 16 से स्टार्ट हो जाएगा, देन थर्ड राउंड आप लोगों का आ जाएगा। थर्ड राउंड के लिए भी आप लोगों को डेट्स दी जाएंगी, लेकिन थर्ड राउंड में तभी तो जाओगे ना जब वहाँ पे सीट बची होंगी आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक हफ्ते का गेम है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके कि भाई इतना आसान नहीं है एडमिशन, तो या आप लोगों की बेवकूफ़ी होगी, मल्टीपल कॉलेजेस में जाके अपना एप्लीकेशन दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए। और IP यूनिवर्सिटी अगर अपने CUT बेस्ड एप्लीकेशन फिल करें अपने, तो IP यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपको बचा सकता है। तो उसके लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म दे दिया है। CUT बेस्ड एडमिशन के लिए हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।